हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का सर्वनाम यह पाठ पढ़ेंगे। सर्वनाम जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, थर्ड में, फोर्थ में, अभी फिफ्थ में भी आपको सेम चैप्टर है। चित्र देखकर उसके नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर उसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम क्या होता है। सरिता अपने भाई अनुज से बहुत प्यार करती है। अनुज एक अच्छा लड़का है। अनुज सरिता की पढ़ाई में सहायता करता है। अनुज सरिता से हमेशा कहता है, अनुज पायलट बनेगा, सरिता डॉक्टर बनना। ऊपर लिखे वाक्य में बार बार सरिता और अनुज के नामों के प्रयोग के कारण वाक्य अशुद्ध हो गए हैं, यानी बार बार जो उनका नाम लिया जा रहा है इस कारण सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। अब उसको सही करके कैसे लिखा जा सकता है? सरिता अपने भाई अनुज से बहुत प्यार करती है। अनुज एक अच्छा लड़का है। वह अपनी उसकी पढ़ाई में सहायता करता है। वह उससे हमेशा कहता है, मैं पायलट बनूंगा, तुम डॉक्टर बनना। इन वाक्यों में सरिता के नाम के स्थान पर अपने, उसकी, उसने, तुम और अनुज के नाम के स्थान पर वह, मैं शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के कारण भाषा में शुद्धता आ गई है। नामों यानी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं या वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह आदि। तो संज्ञा क्या होता है वो आपने पहले पढ़ा हुआ है। संज्ञा ने नाउन, जितने भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम, उनको हम संज्ञा कहते हैं, यानी नामों को संज्ञा कहते हैं। और नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन ऐसा दिया है, यानी किसी के नाम से संबंधित होगा। पुरुषवाचक मतलब यहाँ सचमुच किसी पुरुष से रिलेटेड है ऐसा नहीं है। पुरुषवाचक का मतलब होता है पुरुष प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम और वह। आपने इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ा है। फर्स्ट पर्सन यानी मैं, सेकंड पर्सन तुम और थर्ड पर्सन वह। तो ये जो पुरुषवाचक है आपको ये वो इंग्लिश का तीनों पर्सन याद रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब मैं, तुम और वह, और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे मैं, मेरा, मैंने आदि होता है, वैसे तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमसे आदि होता है, और वह से रिलेटेड वह, उसने, उसका, उसके, ऐसे ये सारे शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। और इन तीनों के जो आप इंग्लिश में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, हिंदी में उसके नाम है उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए। और दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आपके आदर्श शिक्षक कौन है। शिक्षक के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन आपके कौन है। अब ये आप जो है ये भी
सेकंड पर्सन में ही आता है, तुम की जगह आप, यानी ये मध्यम पुरुष है, तुम, आप, तू, तेरा, आपका, ये सब मध्यम पुरुष में आता है। तो प्रश्न पूछने के लिए यहाँ मैं, तुम की जगह आपके आदर्श शिक्षक कौन है, तो ये कौन जो है, आपके पिताजी का नाम क्या है, यहाँ कौन क्या सर्वनाम शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है। अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार किन्हें, किस, कहाँ आदि उन समस्त शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जिनके माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न का उत्तर कोई संज्ञा शब्द होता है। इसलिए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द दूर अथवा निकट के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसी ने गीत गाया था, यानी बिल्कुल पास में खड़े किसी व्यक्ति पर संकेत करते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए ये कहा जा रहा है कि इसी ने गीत गाया था। ये जो इसी शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरा घर है, बिल्कुल पास से यह मेरा घर है। या वह श्याम की पुस्तक है, उसने गणित में 100 अंक प्राप्त किए। किसने? उसने, यानी वो दूर है। तो जो दूर है उसके लिए वह, उसने, और जो पास है उसके लिए यह, इसी, इसके, इस तरह से जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई यहाँ आया था, दूध में कुछ पड़ा है, किसी ने गीत गाया, कहीं से जलने की बदबू आ रही है। तो यहाँ कोई, कुछ, किसी या कहीं से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं करवा रहे हैं, हमको किसी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो यहाँ आया था वह किसका पुत्र है, तो जो का संबंध वह से है, यानी जो व्यक्ति यहाँ आया था, जो लड़का यहाँ आया था वह किसका पुत्र, तो जो का संबंध वह से है। जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करे, यानी जैसे को तैसा, जैसे आप कहते हैं, या जो बोएगा सो काटेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जैसा, वैसा, जो, सो, ये सारे वाक्य में संबंध को जोड़ते हैं। इन वाक्यों में जो का संबंध वह से, जिसको का संबंध वह से, तथा जो का संबंध सो से है। और छठवां है सिक्स्थ वाला निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब खुद, अपने बारे में जो सर्वनाम, जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं अपने लिए, मैं के लिए, उसको निजवाचक कहते हैं। वो कैसे है, देखिए, निज सर्व, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं, मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा, मैं के लिए स्वयं शब्द, मैं अपने आप चला जाऊँगा, यानी वह खुद ही आ जाएगा, अपने आप, खुद, स्वयं, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अब इस सर्वनाम को
का जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। वो कैसे? सर्वनाम शब्दों का लिंग रूप परिवर्तन के कारण नहीं बदलता। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, अब चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, वह शब्द सर्वनाम है और उसका रूप नहीं बदलेगा। वचन एवं कारक के कारण सर्वनाम शब्दों का रूप बदलता है। जैसे वह खेलता है, वे खेलते हैं, तो वह एक वचन है तो वह है, अब ढेर सारे बच्चे बहुवचन है तो वे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में वचन परिवर्तन के कारण वह का रूप बदलकर वे हो गया है। उसका नाम क्या, उसका क्या नाम है, ये संबंध कारक, और उससे पुस्तक लाओ ये अपादान कारक, यानी इसके पहले आपने कारक पढ़ा, ये कारक का प्रयोग होने पर किस तरह से सर्वनाम बदलता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस कारण, जिस कारक में सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उस कारक का चिन्ह सर्वनाम शब्द के साथ जुड़ने के अतिरिक्त सर्वनाम शब्द में अन्य परिवर्तन नहीं होता है। तो ये यहाँ आपके लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें बताई गई हैं, और साथ में जो पेज नंबर 39 पर एक्सरसाइज दिया है वो आपको इस लेसन के आधार पर सॉल्व करना है, जो मैं आपको वर्कशीट के रूप में भेजूंगी। ठीक है, एक बार वीडियो को ध्यान से देखना है, और देखने के साथ आपको खुद भी इस लेसन का स्टडी करना है, यानी एक बार खुद से रीड करना है मेरे साथ साथ, करने के बाद एक बार फिर से करके फिर वर्कशीट सॉल्व कीजिए। ओके।